क्रिकेटवीरों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में जवानों की होगी बल्ले बल्ले। आपको बता दें कि अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण देने की मांग की है, देने का ऐलान किया है मुख्यमंत्री। अग्निवीर योजना पर बोले चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, पीएससी में लिए जाएंगे अग्निवीर और पुलिस, पीएससी में अग्निवीरों को देंगे आरक्षण। अग्निवीर पर विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अग्निवीर योजना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, उन्होंने कहा पीएससी में अग्निवीर लिए जाएंगे और 10% आरक्षण भी मिलेगा, यानी कि पुलिस और पीएससी में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अग्निवीर पर विपक्ष लोगों को लगातार गुमराह कर रहा है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अग्निवीरों के लिए खजाना खोल दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि यूपी में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। अग्निवीर पुलिस जवानों को यूपी में पुलिस और पीएससी में आरक्षण मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अग्निवीर की योजना युवाओं में एक उत्साह है और कुछ राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं, इस मुद्दों को लेकर गुमराह किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। तो राजनीतिक दल इस पर राजनीति कर रहे हैं और युवाओं में अग्निवीर योजना को लेकर एक उत्साह है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण मिलेगा अग्निवीरों के लिए। तो अग्निवीरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ी छूट, बड़ी राहत और बड़ा उनको जो है छूट दिया गया है। अग्निवीर की योजना भारतीय सेना में इसी दिशा से आगे बढ़ाई गई है, युवाओं के मन में एक उत्साह है। 10 लाख अग्निवीर भारतीय सेना के अग्निपथ के मजबूत जवान के रूप में अपनी सेवा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, नौजवानों में उत्साह भी है। दुर्भाग्य है कि कुछ राजनीतिक दल जिनके लिए स्वयं की राजनीति देश से बड़ी हो गई है, वे देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। उनका काम ही है कि हर रिफॉर्म वाले कार्य को, हर प्रगति वाले कार्य को, हर समृद्धि वाले कार्य में टांग अड़ाना, अनावश्यक व्यवधान पैदा करना, गुमराह करना, भड़काने की बयानबाजी करना, और लगातार उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जाते रहे हैं। और इस मुद्दे को लेकर के भी विपक्ष ने लगातार गुमराह करने का प्रयास किया। आज अग्निवीर में जहां युवा भर्ती हो रहे हैं, एक ट्रेंड युवा अग्निवीर की सेवा को पूरा करने के बाद उन्हें सेना में भी अच्छा अवसर प्राप्त होने वाला है, पैरामिलिट्री में, सिविल पुलिस में और विभिन्न सेक्टर में भी उन्हें समायोजन करने के लिए व्यवस्था दी जा रही है। बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने, अन्य तमाम हमारी जो पैरामिलिट्री है उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे, उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा, अनुशासित युवा हमें मिलेगा और इसका लाभ राज्य लेने के लिए पूरी तरह हम लोग प्रतिबद्ध होंगे कि इन ट्रेंड युवाओं को हम आगे बढ़ा सकें। और मुझे लगता है कि हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारत सरकार के इस सेना रिफॉर्म के अभियान के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमारे साथ लखनऊ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं कृष्णा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब पुलिस और पीएससी में जो ये अग्निवीर के जवान हैं, जब वो 4 साल बाद निकलेंगे, उनको 10% का आरक्षण देने की बात कही है, तो एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कृष्णा।
देखिए शिवम, बिल्कुल जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर की भर्ती होती है, उस भर्ती में केंद्र सरकार ने जब ऐलान किया कि 40,000 भर्तियां आर्मी में की जाएंगी, साथ ही साथ 3,000 भर्ती एयरफोर्स में होगी, 3,000 भर्ती नेवी में होगी। उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जब ये पहल की गई, तो उसका उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो है पहले से जो निर्धारित था कि जो अग्निवीर योजना के तहत जो लड़के भर्ती होंगे, जब वो 4 साल के बाद रिटायर होंगे तो 25% उनको आरक्षण मिलता था। जो 25% लोग थे, उन लड़कों में से 25% लोगों को जो है परमानेंट नौकरी के भी जो है चांसेस रहते थे और वो उसमें सफल भी होते, तो उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज ऐलान किया है कि 10% आरक्षण उनको उत्तर प्रदेश में सिविल जो है में दिया जाएगा। जो सिविल पुलिस होती है, सिविल पुलिस में 10% का आरक्षण होगा। साथ ही साथ जिस तरीके से शिवम लगातार विपक्ष जो है, चाहे केंद्र सरकार की जो है अग्निवीर को लेकर योजनाओं को हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार को घेर रहा है, तो जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अग्निवीर की ये 4 साल की नौकरी होती है, जिसमें पहले साल उनको 30,000 रुपए का वेतन मिलता है, दूसरे साल 33,000 का वेतन होता है, तीसरे साल उस वेतन को बढ़ा के 36,000 किया जाता है, और चौथे साल जब उनके नौकरी का वो आखिरी साल होता है तो उन्हें 40,000 रुपए का वेतन हर महीने दिया जाता है। साथ ही साथ उनको 48,00,000 रुपए का जो उनका इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस भी दिया जाता है। तो इन तमाम जो है सुविधाओं का लाभ अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर की भर्ती होती है, वो अग्निवीर के जो है कर्मियों को मिलता है। तो उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 10% का आरक्षण देने की जो है बात करी है, 10% का आरक्षण दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर विपक्ष को घेरते हुए कहा है कि विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो विपक्ष जो है फालतू के मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार की जो कृष्णा देखिए मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीर की योजना को लेकर युवाओं में तो उत्साह है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इस पर राजनीति कर रहे हैं। तो सीधा सा सवाल, मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल की तरफ इशारा कर रहे हैं? कृष्णा देखिए शिवम, साफ बात है ये कि उत्तर प्रदेश में एनडीए की गवर्नमेंट है, और जो लगातार सवाल उठा रहा है वो इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन बोले तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार अग्निवीर योजना का जो है वो मुद्दा उठाते आए हैं, और लोकसभा चुनाव में भी अग्निवीर के मुद्दा को उन्होंने उठाया था, और कहीं ना कहीं जो उनका मुद्दा था वो युवाओं में एक भ्रम भी पैदा किया था, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जो है उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बताया है कि जो युवा होगा, जो 10% वो आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आर्मी में जो 4 साल की नौकरी करके जो लड़का अगर जो है सिविल पुलिस में भर्ती होता है, तो वो अपने आप में पूरी तरीके से अनुशासित होगा और उत्तर प्रदेश की पुलिस को और बेहतर बनाने के लिए वो काम करेगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस का जो सिस्टम है उससे और बेहतर होगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब पुलिस की भर्ती होती है तो सालों साल लड़कों की जो ट्रेनिंग होती है उससे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि वो लड़के जो होंगे वो पहले से ही ऑलरेडी ट्रेंड बच्चे होंगे। जो बच्चे 4 साल अपनी सेवा को अग्निवीर के तहत जो है आर्मी में देकर आएंगे, तो इससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का साफ तौर पर यह कहना था कि हमें ट्रेंड जो बच्चों हैं वो मिलेंगे उससे, और उसके तहत हम काफी बेहतर जो है सुविधा उत्तर प्रदेश की जनता को दे पाएंगे। ठीक है कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।